देखो आपका फ्रेंड लाए हैं, खुशी देखो। हम पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं आप सबसे मिलने के लिए। सबा इब्राहिम से मिलूंगी, पायल मलिक से मैं मिलूंगी। बर्थडे टू यू। और ये है मेरी डेली की ड्यूटी, जो कि दिन में दो दफा खुशी को मेडिसिन देना होता है और तीन दफा खाना खिलाना होता है। गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और हमारी फैमिली भी एकदम ठीक है सारे के सारे। और आज फाइनली जो है ना, ये हमने डिसीजन लिया है एक खुशी के लिए, कि खुशी शायद से अभी थोड़ा सा लोनली सा फील करती होगी, अकेला सा, और वो हर जगह पे लेटी रहती होगी। लेटी रहती है। मैं एक वैसे है किसका डिसीजन, किसने बोला था ये हमारे YouTube फैमिली ने बोला। हमारी YouTube फैमिली ने हमें ये कहा है कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ना खुशी के लिए जैसे कि कोई और ले आए, जो कह सकते हैं उसके लिए भाई होगा या उसका पार्टनर होगा। खुशी कुछ भी नहीं करती, सैड होती है, लेटी रहती, तो उसको देखेगी कि चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको देख के वो भी उठेगी, खेलेगी, और जैसे वो खाना खा रहा होगा तो इसके अंदर भी हिम्मत आएगी, ये भी उठेगी उसके साथ खाना खाएगी, और जैसे वो हर जगह पे चलता फिरता होगा उसके साथ फिर चलेगी। अभी हर कोई रेडी हो चुका है, पापा यहाँ पे रेडी होके बैठे हुए हैं, यहाँ पे मम्मा आयत को रेडी करा रही है, तैयबा भी रेडी हो गई है। मम्मा कौन से कलर का लेंगे? लेकिन अम्मा कहती है कि ना कौन, अम्मा भी कह रही है और तैयबा भी कह रही है कि इस दफा ना व्हाइट लेंगे। अम्मी कहती है तुम्हें ब्राउन कलर वाली रास नहीं है। हाँ जी, ब्लैक हमारा माओ भी ऐसे था, ब्लैक ले लिया, फिर माओ के जैसा ही हमने ये वाला कलर दूसरी जैसा लिया, फिर अब ये भी बीमार हो गई, ब्लैक ले लेते हैं फिर। साथ चलिए, अम्मी कहती है अब तुम जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, आज मैं साथ चलूंगी। आप पापा, आपको कौन सा, आप क्या कहते, कौन ऐसा बिला लेंगे जिसके ना पापा की तरह यहाँ पे बाल नहीं होंगे? ये क्या, ये कौन सा जोक कर दिया, ये थोड़ा सीरियस है। व्हाइटी पसंद है, व्हाइटी। वैसे भी आज संडे है ना, संडे के दिन जो है मार्केट लगती है रोड के ऊपर। पिछली बारी भी पापा संडे के दिन ना, आप पता है संडे नहीं था, जब आप वो डॉग लेके आ गए थे संडे का दिन, वो संडे का दिन था। रोड के ऊपर इतना ज्यादा रश होता है, पांव रखने की जगह भी नहीं होती, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, हर कोई अपने हाथों में डॉग बिल्लियां ये सब चीजें लेके, और कम से कम हमें 500 मीटर पीछे गाड़ी खड़ानी पड़ती है और पैदल आना पड़ता है। लोग हर जगह पे पिंजरे रखे हुए होते हैं रोड के बीचों बीच, और वो बेच रहे होते हैं नगेट्स की प्लेट थी, ये तो खाली कर दी, और क्या ये तो वो भी खा रही है, गरम है ना अभी, गरम ये होते जल्दी से खा ले, लेट हो रहा है, कहती पंखा चला दो ठंडा है ये, ऐसा पता नहीं है कि ये गर्म है। आज हमने आयत का जल्दी में ये वाला मैंने हेयर स्टाइल बनाया, बस फ्रंट पर कोई ब्रेड नहीं है, यहाँ से ही ब्रेड मैंने ली और नीचे जो है ना ऐसे ज्वाइन कर दिया, बहुत ही इजी सा जल्दी वाला ये हेयर स्टाइल है। अगर आप भी अपनी बच्चियों को करो तो बहुत प्यारा और क्यूट लगता है। चलो जल्दी करो, अम्मा इंतजार करिए, भाग के आओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर ऐसे हैं। बाकी मुस्तफ़ा ने तो सारी डिटेल आपको दे ही दी, बता ही दिया कि हम जा रहे हैं खुशी के लिए एक साथी देखने, क्योंकि खुशी की हालत आप देख रहे हो दिन ब दिन मतलब और इम्प्रूव हुई है शुरू के दिनों में, लेकिन फिर से दूसरा दिन है, बस लेट ही रही है, वहीं पर लेट के दूध भी पी रही है, सब कुछ वहीं खा पी रही है, और डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, डेली का इसको ड्रिप भी लग रहा है, लेकिन बेहतर कभी हो जाती है कभी एकदम से ऐसे लेट जाती है, इसका पता नहीं चलता। मैं सोचा सबने, हमने नहीं सोचा बल्कि आप सबके बहुत सारे मुझे कमेंट आए हैं कि आप ऐसा करो कि खुशी के साथ एक और जो है ना छोटा सा वो कैट ले लो ताकि इसके साथ खेलेगी, शायद ये उसको देख के थोड़ा उठे, मतलब जैसा होता है ना साथी होता है, तो देखो अब क्या होता है, हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। देखो अम्मी ने कहा है कि मैं इस दफ़ा साथ चलूंगी, और अम्मी कहती है वाइट कैट लेंगे क्योंकि हमेशा तुम ब्राउन कलर की लेके आती हो और वो तुम्हें रास नहीं आती। हाँ सही है, अभी वाइट लेंगे। अम्मी कहती है इस दफ़ा मैं साथ चलूंगी, खुद ही चलूँगी। चलो बच्चे, पता है एनिमल वाली मार्केट जाना, बच्चे इतना खुश होते हैं बहुत ज्यादा, सबको साथ चलना होता है, लेकिन फातिमा घर पे और खुशी भी घर पे है और चाचू पे, तो वो सब छोड़ जा रहे हैं। हाँ आयत के लिए और किटन लेने के लिए जा रहे हैं इस दफा, अम्मी की, अम्मी जो नाम रखेगी ना वही रखेंगे, खुशी नाम भी रास नहीं आ रहा, और मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि वापस से माओ रख दो, वापस लेकिन माओ कैसे रास है, माओ भी तो भाग गया था। अम्मी बाइक की ऐसे दीवानी है, जब गाड़ी नहीं थी तब कहती गाड़ी के लिए रोती थी, गाड़ी पे बैठने, अब हम जैसे घर में जा रहे हैं तो अपनी इस बाइक की भी सारा काम वाम करा दिए और इसको अब बाइक पे बैठ के जाना, सर्विस भी हो गई, छोटे मोटे काम भी हो गए, क्योंकि ये हमारा साथी है। हाँ इस साथी को तो हम छोड़ नहीं सकते, अब गाड़ी पे इसको जाने का शौक नहीं है, पहले गाड़ी नहीं थी ना तो बाइक पे कहती थी मुझे गाड़ी पे बैठना, अब गाड़ी आ गई है तो कहती मुझे बाइक पे बैठना।
अभी हम एनिमल वाली मार्केट पहुंच गए, जैसे अगर पहुंचे हमारी ऐड तो सो गई है, अभी बाहर जैसे निकलेंगे तो ये उठ ही जाएगी, वरना इसको उठा के चलना बहुत मुश्किल। गुड गॉड। और गाइस यहाँ पर देखो कि रश कितना ज्यादा है। काट लेगी, डक काटेगी आयत। भाई डक बैठी है यहाँ पे, सारी डक है, रैबिट है, और ये देखो मोर भी है। अम्मी पप्पी देखो कैसे सो रहे हैं। चलो आगे चलो, किटन देखते। इधर देखो डक कितनी सारी हैं, बताओ कौन सी। ये बैठी है, एक वाइट है। अम्मी काली ले ले ये, फिर नीचे अम्मी देखें, ये भी बहुत प्यारी है। ये वाली ग्रे वाली, भाई ये वाली दिखाएगा। ये ज्यादा, ये देखो ये प्यारी। ये लेते हैं, एक मिनट दिखाओ तो सही। अम्मी ये प्यारी तो है। अम्मी ये अच्छा तो लग रहा है। हेलो, आप खुशी के दोस्त बनोगे? खुशी के दोस्त बनोगे? ये मेल है, फीमेल। इसकी आंखें देखिए अम्मी, आए दिखाओ। अच्छी है, ये पसंद आ गई आपको? काटेगी ये आपको। मम्मी कितना ज्यादा रो रही है। ये भी बड़ी है, ये देखो सेम खुशी जैसी, बिल्कुल सेम, सेम खुशी है। अम्मी खुशी है, ये बिल्कुल खुशी जैसी है। ले रहे ले रहे, रुक जाओ एक मिनट, ले रहे रुक तो जाओ। ये देखो, इसको देख के डर लग रहा है। कोई गल हाँ, बस जैसे जिसका शौक होता है वो लेता है इस ईगल को। कौन सी लिए, पसंद है आपको? इतना ज्यादा रोई है, देखो फेस दिखाओ अपना। आप मार्केट में ये रो 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 के पूरी मार्केट को सर पे उठा लिया। मेरा बच्चा, पसंद है ये आपको पसंद है? इसको इतना रोइए, इतना रोइए, रो रो के देखो हालत क्या कर दी। तो देखो हम खुशी का साथी ले आए हैं, है तो ये खुशी से थोड़ा छोटा। इतना ज्यादा नोटी है, इतना शरारती है, ये बॉय है, गर्ल नहीं है। ये हैप्पी हो अब हैप्पी है? बहुत ज्यादा नोटी है ये, बहुत ज्यादा नोटी है ये, बहुत। जब जो प्यार करते हो वो बस बीमार हो जाता है, ऐसे छोड़ दो इसको। क्या खुशी को चल रही है? चल रही है, हाँ खुशी देखो, खुशी देखो, हम बोलो खुशी, खुशी देखो हम तुम्हारा दोस्त लेकर आ रहे। शुक्र है, थोड़ा सा उठ रही है अभी दोबारा। अभी इसको देखेगी ना अपने फ्रेंड को तो खुश हो जाएगी। जन को भी दिखाती है, खुश हो रही है। जल्दी आओ जल्दी, उधर नहीं जाना, गेट खोलो। हाँ देती है ना, अभी नहीं दे रही, अभी थोड़ा रो रही थी ना। अब इन दोनों बहनों की लड़ाई शुरू होगी, वो इसे नहीं दे रही। ये देखो वो अपना समझ के उसको लेके जा कैसे रही है। आयत ये मैं सबके लिए लाई हूँ, सिर्फ अकेली आपकी नहीं है, बहना को भी दो। खुशी को ना मारे मुझसे, ख्याल करना, खुशी को मारने मत देना। आए मेरा बेबी, खुशी भी एक दिन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मुझसे कैसा है? ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, छोटे से। और यू, ये तो फुल बाकी वाइटी है, क्यूट है ना, बहुत ज्यादा क्यूट है। कैसे हो? ये लड़का है, लड़का है ना, लड़की नहीं है। जो अभी उठाओ, आपको भी दे रहे हैं। देखा अभी तैयबा ने उसे भी, आयत ने उसे भाई को भी दे दिया, आपको भी दे दिया। जो खुशी उठ रही है देखो, शुक्र है थोड़ी हिल रही है। अभी आप नहीं थी ना तो ये चल कर यहाँ तक आई हुई थी, पर लेट गई थी। ये अपनी टेल के ऊपर उठा के चल रहा है, मेरे पास आ रही है। तो खुशी है, वो अपनी जगह प्यारा है, लेकिन खुशी को जब लेकर आए थे, खुशी देखा कितनी प्यारी थी। मेरा बेबी, आपका फ्रेंड लाए हैं। खुशी देखो, आपका फ्रेंड लाए हैं। खुशी देखो, फ्रेंड लाए हैं। देख रही है, थोड़ा थोड़ा हिल रही है, उठ रही है उसके लिए। उठो उठो उठो, देखो आपका फ्रेंड है। ये देखो फ्रेंड आपका, वो फ्रेंड नीचे पहुंच जाएगा। देखो ये देखो आपका फ्रेंड मुस्तफा, इधर करो इसका फेस, इधर करो इसको, ज्यादा जल्दी इसको एक अलग ले लो। आपका फ्रेंड
ये देखो शेर का बच्चा लेकर आए हम। ये छोटा है ना ज्यादा? हाँ ये से छोटा है। ये लड़का है ना ये ज्यादा शैतानियां करता है, शरारती भी है। देखो ये तो इसका नाम स्नोरक तो बहुत ज्यादा वाइट है ये। कहाँ इतना ज्यादा वाइट है, इससे एक और भी पूरी वाइट बैठी थी हमने वो नहीं। एक दिन इंशाल्लाह इसको देख के ना खुशी भी जल्दी ठीक हो जाए। कितना अगर आपको इसका फेस देखने तो ये बहुत क्यूट है ये। इसको भी गाइस नजर नहीं लगा, माशाल्लाह करो इसको मोटिवेट करो अपनी ये खुशी को, खुशी को उठाओ। देखो खुशी चल रही है, खुशी चल रही, गिर गई। इसका रिएक्शन क्या करेगी इसके साथ। दोनों वहाँ पिंजरे में भी दोनों साथ ही थी, दो दो तीन तीन साथ बैठी थी। देखो खुशी उसको देख रही है, उठती है खुशी उसके लिए। ये देखो ऐसे बार बार गिर रही थी। नहीं अभी थोड़ा सा उठी तो इसको देख के, कल से ये सो ही रही है ज्यादा। इन दोनों को ना हमेशा एक साथ एक जगह पे सुलाया करेंगे। इन दोनों का ख्याल रखना, मैं खाना बनाने जा रही हूँ इनका। ये लो बस दोनों आपकी हैं, दोनों आ गई। ये लो मम्मा आपको पता है अम्मी अभी चेक की है कुछ गल गए तो आज देखो हमारे घर पे सुबह से चढ़े हैं, घर पे पाए बने, कितना टाइम बाद बन रहे पाए। पाए जो है घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद है, सब शौक से खाते। मैं तो खैर बचपन से अम्मी के घर जब भी जाती थी मैं कहती थी अम्मी सिर्फ पाए ही बनाइएगा। आधे से ज्यादा वैसे पक चुका था, फिर हम कैट देखने के लिए चले गए किटन लेने। और जब अभी वापस आए हैं तो अभी अम्मी ने कहा है कि गल चुके हैं, बस अभी हरा धनिया इसमें डाल के अब इसको उतारना है। यहाँ की वैसे ज्यादा लेते हैं ना, पंजाब में इतना टाइम नहीं लगता, गांव में लकड़ी होती है तो लकड़ी पे जल्दी पकते है। नया आया ना तो हर कोई इसका इंटरव्यू ले रहा है। छोटा बच्चा है, चाचू छोटा लेकर आए। थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा बड़ा होता जो चल भी आराम से सकता, खा भी चल चल सकता है, नहीं चल तो सकता है, थोड़ा बड़ा होता ना ये बिल्कुल। खुशी नैनो से भी छोटा है ना, खुशी हाँ उसे खुशी से छोटा है ये चाचू, खुशी से छोटा है। चाचू हमने कहा चाहे छोटे को चलो जो चीज सिखाएंगे सीख तो जाएगा, फिर बड़े का डर है ना, कुछ ज्यादा बड़ा होता ना हाँ वो भी जल्दी सीखता, चलता फिरता भी, भागता भी, खाता पीता भी आराम से ज्यादा। चलो देखो हमारा सालन तो हो गया तैयार, और जैसे वहाँ से वापस आए ना अभी भूख भी बहुत लग रही है, तो फातिमा बनाएगी चाय, मैं रखती हूँ खुशी का और हमारे किटन का खाना, और फिर साथ साथ हम अपना खाना खाते रहेंगे जब तक ये पक जाएगा। है तीन चार पतीलियाँ, ये वाली पतीली पहले हमारी चाय की थी पुराने घर में, अब इसको मैंने रखा हुआ है किटन के लिए। न्यू किटन और खुशी के लिए छोटा छोटा चिकन ऐसे पीस में काट लिए। खुशी तो खैर नहीं खा पाएगी, लेकिन आज मैं उसको कोशिश कराऊंगी जबरदस्ती छोटे छोटे पीस मुंह में डालने की, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी ज्यादा टाइम हो गया इसको, जब से ये एक्सीडेंट हुआ है तब से हमने इसको चिकन नहीं दिया, सिर्फ यखनी पिला रहे हैं और उससे ये इतना अच्छे से ठीक नहीं हो पा रही। इस साइड पर अम्मी ने सबके लिए निकाल भी लिए, और ये है नजमा आंटी के लिए। ये किसके लिए अम्मी? बाबर दिलबर के घर ये वाला जाएगा कि अभी बाबर वाली साइड पर, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा काम था उस साइड पर अभी जाएंगे, तो नजमा आंटी का घर भी उसी साइड पर है, उनको भी पहुंचा देंगे और बाबर दिलबर के घर पे भी ये पहुंचा देंगे। उसको लेके खड़ी हुई कहती है मेरी पिक्चर बनाओ, किसी ने नहीं बोला किसकी तस्वीर खींचते हैं, खुद ही आइएगी मेरी तस्वीर बनाओ, आ जाओ सब बनी है दिखाओ। शौक कैसे लगा, कहती मेरी तस्वीर बनाओ। मम्मा जल्दी करें, इसको देख के और ज्यादा भूख लग रही है। सारे घर के जो कारपेट थे वो हमने वॉश करवाने के लिए भिजवा दिए, तो अभी चादर एक नीचे बिछाई है। अभी ऐसे गुजर बसर हो रहा है। बहुत ही मजेदार खाना बना हुआ था, सबने पेट भर के खा लिए। और यहाँ पर देखो हमारे नए किटन की और खुशी की चिकन भी बॉयल हो गई है। करते हैं बर्तन तो कोई हमारे घर पे है नहीं, सारे पता नहीं कहाँ पैक कर दें, कोई मिल रहे कोई नहीं, तो ये सबके जैसे किसी का ऊपर से ढक्कन बचे किसी बाल्टी के किसी जग के, तो उसी में ही सारी मैं इनकी एक चिकन ऐसे मैश कर रही हूँ। टी के लिए जो है ना मुझे बहुत छोटा छोटा पीस करना पड़ेगा, देखो ऐसा ऐसा पीस करके खुशी के मुंह में डालना पड़ेगा, क्योंकि खुशी इसको बिल्कुल भी नहीं खा पा रही। जो यखनी वाला इनका पानी था ना थोड़ा सा मैं वो भी मिक्स करके मैंने इसको मैश कर दिया। देखो अब ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है, जैसे एक सिरिलैक होता है बेबी का बिल्कुल। जल्दी जल्दी पूरे घर की कुछ भी हालत हो रखी है पैकिंग के दौरान। कहाँ पे? वहाँ पर। अच्छा हाँ वो नीचे गई हुई है। तो गाइस खुशी सो रही है नीछे। खाओ छोटी। छोटी को घर कैसे पसंद आ गया है? अंदर बैठा हुआ है ये देखो, तो बैठते भी नहीं है। जिस भी किटन को हम लेकर आए कैट को, इसमें कभी भी नहीं गए, इसको पता नहीं कैसे घर पसंद आ गया। नहीं, नहीं,
क्या कह रही? खुशी को अंदर मत डालो। खुशी देखो आपका फ्रेंड कैसे खाना खा रहा है। ऐसे मेरा बेबी एक दिन खुशी भी खुद से खाएगा। कहती है माशाल्लाह। किसको देख के बोला माशाल्लाह? छोटे को। खाओ खाओ, खा रही खा रही मुस्तफा। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा तो खा ही रही। बस ये खाना सीख जाए ना कि अंदर कुछ जाएगा तो ये उठ पाएगी, वरना तो बेचारी पड़ी रहेगी। ये देखो गाइस खुशी खा रही। मैंने उसे उधर पास खमा। क्लीन है उसका फेस, हो गया साफ हो गया। देखो उसका फेस नीट है। ठंडा ठंडा हमारे पास पाकोला का शरबत, क्योंकि पाए खाए ना, पाए के बाद ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। पापा ने कंबल से छुपा दिए अपने बाल। मैं जब इंडिया जाऊंगी ना आपको नहीं लेकर जाऊंगी इस बार। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी उत्तराखंड। क्या करना है मुझे वैसे? गाइस इंडिया में ना बहुत सारे, जैसे कि मेरे थोड़ा पास है, जैसे इंडिया के मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारी हमारी यूट्यूब फैमिली इंडिया में है, तो मैं इंडिया में बहुत सारे सिटियां जो मैं जानती हूँ, उत्तराखंड जानती हूँ, कानपुर जानती हूँ, दिल्ली जानती हूँ। क्या दिल्ली बोलते हैं ना? दिल्ली, दिल्ली भी और दिल्ली भी है ना? एक ही नाम है। नहीं नहीं एक दिल्ली है। दिल्ली भी जाऊंगी मैं, दिल्ली जाऊंगी और मैं हैदराबाद जाऊंगी, बम्बई जाऊंगी, मुंबई जाऊंगी और मुझे वैसे नाम बहुत सारे इंडिया के आते हैं, मतलब कौन कौन सा है। एक तो वहाँ पे एल्विश भी रहता है, हरियाणा। एल्विश वहाँ पे रहता है ना, गुड़गांव। और जहाँ पर ताजमहल है पता नहीं वो मुंबई, वो मुंबई में शायद, मुंबई में ताज शरीफ भी जाना है। हाँ अजमेर शरीफ जाऊंगी मैं। लाल किला भी है क्या? हाँ शायद है पापा लाल किला। हाँ हाँ लाल किला भी। इंडिया गेट पे भी जाएंगे वहाँ। ताजमहल तो वही है ना वहाँ पर, वो मुंबई में, मुंबई जाऊंगी। कोलकाता, वो कौन सी जगह है? कोलकाता, कोलकाता तो वो था ना, कोलकाता की बिरयानी बहुत ज्यादा मशहूर है। और भी बहुत सारे सिटी के नाम मुझे आते थे, अब मेरे जहन से भी निकले। जैसे मैंने इंडिया का नाम लिया ना, कुछ नाम मेरे जहन से निकल। गाइज मेरी बात सुन लो, अगर के मैं वहाँ पर इंडिया में कभी आई ना, तो मैं सबसे पहले मिलूंगी सबा इब्राहिम को। और मैं सबा इब्राहिम को मिलूंगी क्योंकि मैं उनसे बात भी करती हूँ और मैं उसको जानती भी हूँ शुरू से, तो मुझे ऐसा होगा कि हाँ मेरा कोई अपना है। सबा इब्राहिम से मिलूंगी, पायल मलिक से मैं मिलूंगी, और किससे मिलूंगी? एक पायल मलिक, एक सबा इब्राहिम, और हाँ सौरभ जोशी। पता नहीं सौरभ जोशी डक्की भाई ने तो मिल लिया। पता नहीं सौरभ जोशी मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मेरी वो एक इंस्पिरेशन है कि मैंने उसको देख के ही एक व्लॉगिंग का मेरे अंदर एक जुनून था कि ये देखो एक बच्चा हो के, लड़का हो के, गांव का वहां से ये बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो उसको देख के मैंने स्टार्ट किया था, और 365 डेज वाला चैलेंज भी मैंने सौरभ जोशी को देख के शुरू किया था। तो वो एक इंस्पिरेशन है मेरी, कभी लाइफ ने मौका दिया और मैं इंडिया गई, अपनी तरफ से ट्राई करूंगी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है, वो उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड में एक सोसाइटी में रहते हैं। अरे हाँ फ्लाइंग बिस्ट का मुझे नहीं पता क्योंकि वो मिलते हैं नहीं मिलते, उनसे कभी मेरा रापता भी नहीं हुआ। जिनसे मेरा रापता है जैसे पायल मलिक से है, सबा से है, तो इनका तो मुझे कंफर्म है कि इनसे तो मैं मिल सकती हूँ। बाकी जिनसे रापता नहीं है तो उनका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे बहुत, और वहाँ के जो टंगड़ी कबाब है वो मैं खाऊंगी, कोलकाता की बिरयानी खाऊंगी, और वहाँ के और क्या मशहूर है कि मैं हमें डोसा खाएंगे, डोसा बहुत बड़ा, मोमोज, मोमोज भी वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं मैंने सुना है, और डोसा वहाँ का बहुत अच्छा, मैं बहुत सारे खाने हैं, वहाँ की चाउमीन भी अच्छी। चलो पेट फुल हो गया। चलो फातिमा से पूछते हैं, फातिमा कभी इंडिया में मौका मिला तो कहाँ जाओगी? मैं हाँ घर जाओ ताजमहल। हाँ ताजमहल, अरे हाँ मुझे एक और भी याद आ गया, चंडीगढ़ भी है वहाँ पर, पता चले मिल पाऊंगा तो मिल लूंगा। नहीं मैं अपने बेटे की विश पूरी करूंगी, जिस जिसका इससे दिल है, मैं कोशिश कराऊंगी अगर मैं कभी भी मतलब इंडिया आई तो मैं मुस्तफा की जो जो विशेज हैं, जितने भी सारे यूट्यूबर हो, मैं सबसे अपने बेटे को मिलवाऊंगी। हम पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं आप सबसे मिलने के, कम से कम तो अपने कम से कम अभी अभी सोएंगे ना फिर आ जाएंगे। कम से कम इतना जरूर हमारा ख्याल रख लीजिएगा कि ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं इनसे मिल लेते हैं, ऐसा मत बोलिएगा कि नहीं मिलते। बच्चे बच्चों को इंडिया में आना अलाउ नहीं है? नहीं ये भी खुशी है। मम्मी फिर तो आप ही बच्ची हैं।
मैं कहाँ से बची हुई बताओ आप मम्मा की बच्ची नहीं है घर की चुपचाप बैठ गया है ऐसे सीखेगा ना पहले इधर उधर भाग रहा था आपके पापा ने पटक के दोबारा उसको अंदर बिठा दिए अब वो देखो पंजे मार रहे अंदर गाइस आपने आज एक चीज नोट की होगी पापा ने शॉल पहन लिया है ये देखो क्यूट लग रहा है बेबी ये ऊपर चढ़ता है वापस पीछे गिर जाता है छोटा बीबी है ये मैं सलाड करती हूँ मुझे ऐसे घूर के देखते हैं जैसे वो मेरा बेबी ही है कहते ये कोई बेबी है हाँ ये बेबी है ये तो माया भाई है ऐसा बच्चा है वो मेरा भाई ना कुछ भाई चाहिए दे नहीं ये रहा तू मेरा एक शेर का बच्चा बने अरे नहीं बनना चाहता क्या तू शेर है शेर नहीं उसको जाना है उसको जाना है गाइस बाय बाय हम मिलेंगे इंडिया में अब सबके सोने की बारी है तो अंग्रेज उठ गए अंग्रेज उठ गए अंग्रेज उठ गए अब सबका सोने का टाइम है तो अंग्रेज की जाग हो गई ओके स्पाइडरमैन हां चलो अब सोने चलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ा सा विश कर देते हैं क्योंकि बर्थडे जो है 12 बज गए ना तो मतलब 4 सितंबर हो गया सही है अच्छी सी बर्थडे के लिए बहुत प्यारे कल 4 सितंबर को इसकी बर्थडे है 12 बज चुके हैं तो हमने रात को उठा के इसको विश कर दिया अभी बाय बाय मेरी तरफ से भी आया तैयबा को हैप्पी बर्थडे हाँ तैयबा देखो जैसे वो हम छोटे को लेकर आया ना वो दूसरा जो जिस दिन हम छोटा किटन लेकर आए उसी दिन तैयबा की बर्थडे है तो मतलब क्या हुआ तैयबा नेक्स्ट ईयर उसकी भी बर्थडे आपके साथ ही रह करेगी